तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे आप एक पेमेंट प्रूफ देख लीजिए। दोस्तों ये लोन हमको मिला है नावी ऐप की मदद से। आप भी दोस्तों घर बैठे इजीली नावी ऐप की मदद से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है कि जब भी कोई नावी ऐप के अंदर लोन अप्लाई करता है तो ज्यादातर केसों में दोस्तों उनका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो नावी का जो लोन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए वो लोन अप्लाई कर देते हैं जिसके कारण उनका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि नावी ऐप के अंदर आप लोन कैसे अप्लाई करेंगे, नावी ऐप का लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको उसको फुलफिल करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट तरीका भी बताऊंगा जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप नावी ऐप से लोन लेना चाह रहे हैं तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड, एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 21 वर्ष से आपका एज लिमिट ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं नावी ऐप के अंदर सिविल स्कोर की बात करूँ तो 750 अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको इजीली नावी ऐप से लोन मिल जाएगा। मैंने ज्यादातर केसों में देखा है कि अगर आपका सिविल स्कोर 700 है तो भी आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वाकई में नावी ऐप की मदद से लोन लेना चाह रहे तो लोन अप्लाई करने से पहले जो ट्रिक का मैं यूज करता हूँ आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको भी इजीली लोन मिल जाएगा। अभी ऐप ने अभी रिसेंटली अपना UPI फीचर्स लॉन्च कर दिया है जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आप इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो चांसेस रहेगा आपको भी इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे गोल्ड भी परचेस कर लेंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और दोस्तों ये तरीका काफ़ी काम कर रहा है और काफ़ी सारे लोगों को इस ट्रिक की मदद से इजीली लोन मिल जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको तरीके बताए अगर आप लोन लेने से पहले उन तरीकों को अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा और दोस्तों इस पैसे को आप तुरंत के तुरंत अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आप नावी ऐप के अंदर लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल के अंदर नावी ऐप इंस्टॉल कर लिया। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट OTP, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है वेरीफाई OTP, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप चेकबॉक्स लगाएंगे। नीचे एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड, आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। चेक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट का आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना पेन नंबर भरेंगे। नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा, अगर आप एक सैलरी पर्सन से तो सैलरीड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय से तो सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम भरना होगा तो यहाँ पे आप अपना मंथली इनकम भरेंगे। नीचे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट का आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो लोन लेने के लिए गेट कैश के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन से लोन आप लोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लोन लेने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना बैंक चुनेंगे, वेरीफाई वाया OTP ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे भरेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे फिर से एक OTP आएगा, अलाउ करेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे चेक करेगा आपको कितना लोन अमाउंट मिलेगा, आप यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारा लोन ऑफर अपग्रेड हो चुका है, हमारे लिए यहाँ पे 45,000 रुपए का लोन आ चुका है। EMI आप देखेंगे तो 4,600 का EMI रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आप देखेंगे तो 12 महीने का रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 2.84 पर मंथ है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता दूंगा सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। यहाँ पे देखिए 0 प्रोसेसिंग फी, हमको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं देना। 0 फोर क्लोजर चार्जेस है। लोन अमाउंट कम से कम हम 10,000 ले सकते और ज्यादा से ज्यादा हम 45,000 ले सकते। आप ऐसा यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको घटा बढ़ा भी सकते। तो जितने लोन अमाउंट की आपको जरूरत होगी आप वो लोन अमाउंट चुनेंगे। यहाँ पे आपको
आपको ईएमआई दिखाएगा, आप ना ईएमआई चाहिए तो यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे, आपको वेरियस टाइप की ईएमआई ऑफर मिलते हैं। जैसे 9 महीने के लिए आप लेंगे तो 5,900 का ईएमआई आएगा, 12 महीने के लिए लेंगे तो 4,600 आएगा, और अगर आपको कोई और प्लान चाहिए तो कस्टमाइज योर ईएमआई आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना ईएमआई ऐसे घटा बढ़ा भी सकते हैं जितना आपको चाहिए, तो कम से कम आप यहाँ पे 6 महीने का ईएमआई रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे 12 महीने तक का ईएमआई रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने एक चीज सीखा है कि अगर आप एक बिगिनर्स है और आपका एक प्रोफाइल नया है, आपको यहाँ पे पहले कम अमाउंट का लोन लेना है। जैसे आप यहाँ पे 10,000 का लोन लेंगे, फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट काफी ज्यादा लगता है। जैसे ही आप एक लोन पे कर देंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे आएगा टॉप अप लोन मिलेगा। उस लोन को लेने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कम का लोन लेंगे, इसकी ईएमआई टाइम से जमा करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बड़ा लोन अमाउंट मिलेगा, प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो जो मेरा प्रोफाइल है सबसे काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा क्यों है, तो यहाँ पे देखिए 2.84 है, तो मैं आपको सालाना इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना यहाँ पे हमको चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2.84 × 12 हम करेंगे तो 34% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए तो मैं ग्रो से दोस्तों ज्यादा लोन लेता हूँ, तो अभी हम लोग ग्रो ऐप ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ से कितना सस्ता लोन मिल रहा है। तो महंगा लोन इसलिए दोस्तों मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ पे पहली बार लोन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ग्रो के अंदर लोन सेक्शन से अभी यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कितने तक का लोन लिया है। देखिए 50,000 का लोन, 17,000 का लोन, 3.5 लाख का लोन। व्यू मोर डिटेल्स आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5, यानी इससे 3 टाइम ज्यादा मुझे वहां पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले कम लोन लीजिएगा, उसको टाइम से पे कीजिएगा, तब आपको यहां पे सस्ता मिलेगा। तो टाइमली उसका रीपेमेंट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम मैंने जब यहां से लोन लिया था तो मुझे 28% मिला था, अभी फिर सेकंड टाइम लिया तो 22% मिला, थर्ड टाइम लिया तो मुझे 18% मिला, मैंने फोर्थ टाइम लिया यहां पे लोन, तो अभी आप देख सकते हैं। और इसी में दोस्तों मुझे लोन अपग्रेड का ऑप्शन आता रहता है, तो मैं ज्यादातर लोन यही से लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पे काफी सस्ता लोन मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि पहली बार आप लोन लेंगे कम अमाउंट का लेना है, ताकि आपको ज्यादा लोन मिले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो अगर आपको सारी चीजें यहां पे समझ आता है तो यहां पे देखिए वेरीफाई बैंक अकाउंट, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे आप अपना बैंक सर्च करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है, यहां पे आप अपनी बैंक का आईएफएससी कोड भरेंगे, यहां पे अकाउंट नंबर भरेंगे। सभी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है नेस, आप नेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट आप देंगे उसके अंदर ये लोग 1 रुपया डाल के वेरीफाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे चेक होगा, आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाए तो यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन है, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लोन अमाउंट दिखाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिखाएगा, प्रोसेस फी हमारा 0 है, सारी चीजें आपको सही लगती है तो ओके गोइट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटअप ऑटो पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आप 3 तरीके से अपना ई मैंडेट सेटअप कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन काफी अच्छा आया, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड की मदद से भी ई मैंडेट कर सकते हैं। ई मैंडेट करने के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एक चेकबुक लगाएंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, यहाँ पे ओके आप करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल शो करेगा, आप इसको अच्छे से चेक करेंगे, यहाँ पे आपका कब से ईएमआई स्टार्ट होगा, कब ईएमआई एंड होगा, सभी डिटेल शो करेगा। पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भरेंगे, आधार कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओटीपी आपको उसी नंबर पे भेजा जाएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी भर दिया, यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस बार क्या होगा, अभी आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर अभी एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ईएनएच कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं ऑटो पे सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा वीडियो वेरिफिकेशन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ई पेन वाया आधार आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप एक चेकबॉक्स लगाएंगे, ऑथेंटिकेट विद आधार आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर भरेंगे, आधार नंबर भरने के बाद नेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी पिन देना है, तो 6 नंबर का कोई भी एक पिन भरेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे के सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ देर आपको वेट करना है। अभी आपका KYC देखिए यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऐप एंड परमिशंस को अलाउ करना है, तो यहाँ पे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो नावी का जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रहेगा वो कॉल पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, जैसे आपका पूरा नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, कौन से जिले में रहते हैं, ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे आपका वीडियो KYC कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे एक ऑप्शन से नेक्स्ट, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है। दोस्तों एड्रेस वही आप भरेंगे जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन से नेक्स्ट, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डेट आएगी, कोई से भी एक आप डेट चुनेंगे जिस डेट को आप EMI पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेट चुनेंगे कि हमने 15 तारीख चुना है, जो हमारी फर्स्ट EMI जाएगी 15 दिसंबर को जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे EMI प्लान और रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी डिटेल्स आ रही है। गेट कैश के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर पैसा दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। फिर भी आपको नावी से लोन लेने में कुछ इश्यू हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।